अब तक आपने सुना कि सेनापति भैरव की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अग्नि उनका रास्ता रोक लेती है। भैरव अग्नि से ये सब करने के लिए मना करता है, पर अग्नि कहती है कि महर्षि ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर छोड़ा है। दूसरी तरफ जंगल में गुरु, नंदी और भैरवी एक पुराने खंडहर के अंदर पहुँचते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें, लेकिन वहाँ पर बुरी आत्माओं का साया था। इधर महल में सिपाही अग्नि को गिरफ्तार कर लेते हैं। सेनापति जैसे ही भैरव की गर्दन पर तलवार से वार करने वाले होते हैं तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब आगे सुनिए, आप लोग भैरव को मौत की सजा नहीं दे सकते हैं। यह आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। ये कोई और नहीं कैदी 211 नकली दामिनी थी जो कांपती हुई आवाज में बोल रही थी। दरबार में खड़े सभी लोगों के अंदर एक उम्मीद सी जाग गई कि शायद अब भैरव को मौत की सजा नहीं मिलेगी। रानी सा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और तेजी से पलटी और अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए हमशक्ल को देखते हुए बोली, कैदी 211 जो बोलना है साफ साफ बोलो। हमशक्ल का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ था। भैरव ने दामिनी की हत्या नहीं की थी। उसने जो हत्या की बात स्वीकारी थी उस समय उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। असल में हम ही झूठे हैं, हम दामिनी नहीं हैं। हमें सजा दीजिए, भैरव निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। हमने आप लोगों को गुमराह किया, इसलिए सजा के हकदार हम हैं। हमशक्ल की बात सुनकर राघव, अग्नि और सपना के चेहरे पर चमक आ गई। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सब लोग सकते में थे, मानो किसी बुरे सपने से जाग गए हों। सेनापति के हाथ में थमी तलवार भी कांपने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। उस पल में हर कोई उस हमशक्ल की तरफ देख रहा था जो अब अपने किए पर पछता रही थी और भैरव के लिए न्याय मांग रही थी। सभा के खत्म होने का समय हो गया था, इसलिए सभा को कल के लिए स्थगित कर दिया गया। कैदी 211 को कैद खाने में डाल दिया गया और उसके साथ साथ अग्नि को भी, क्योंकि उसने न्याय प्रक्रिया में रुकावट डालने की कोशिश की थी। कैद खाने की अंधेरी दीवारों के बीच अग्नि के मन में कई सवाल थे। उसने दामिनी के हमशक्ल से पूछा, कल तक तो तुम असली दामिनी होने का दावा कर रही थी, फिर आज अचानक तुमने खुद को दोषी क्यों माना? यहां तुम्हें किसने भेजा है और क्यों भेजा है? यह सुनकर हमशक्ल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, बहुत गौर से अग्नि की आंखों में देखा, जैसे वो अग्नि के अंदर कुछ देख रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी भैरव से प्यार करती हो, है ना? अग्नि को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वो इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और बेचैनी छलक गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। अग्नि के होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। उस पल में हमशक्ल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा जान लिया हो जो सिर्फ अग्नि के दिल में था। महल में दामिनी के इस कमरे में सब कुछ बहुत रंग बिरंगा था, दीवारों के रंग से लेकर फर्श पर बिछे कालीन तक, लेकिन फिर भी ये सारे रंग बेरंग लग रहे थे। कमरे में सिर्फ दिए जल रहे थे। राजा साहब, रानी सा और भैरव तीनों की नजरें बेहोश पड़ी दामिनी पर थीं। कमरे के कोने में खड़े वैद्य जी राजकुमारी दामिनी की नब्ज देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, अगर दो दिन में विषहरण फूल नहीं आया तो खतरा बढ़ सकता है। भैरव उन्हें दिलासा देते हुए बोला, फूल समय पर आ जाएगा वैद्य जी, आप चिंता ना करें। वैद्य जी ने भैरव की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तीनों की नजरें बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई दामिनी पर टिकी हुई थी। रानी सा गहरी सोच में खड़ी हुई थी। अचानक वो धीमी आवाज में बोली, ये कैदी 211 बहुत ही खतरनाक और चालाक है। हमने सोचा था कि वो बहरूपिया लड़की भैरव की गर्दन पर तलवार चलते देख के भी चुप रहेगी, जिससे पता चल जाएगा कि वो झूठी है, क्योंकि असली दामिनी कभी भी अपनी आंखों के सामने भैरव को इस तरह मरता नहीं देख सकती। लेकिन इस हमशक्ल लड़की ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया, हमारा खेल ही खराब कर दिया। अब हमें डर है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ये लड़की असली दामिनी ही तो नहीं, या फिर ये इसकी कोई नई चाल है। रानी सा की बात सुनकर राजा साहब हल्के से मुस्कुराए और बोले,
हमें आपकी राय की कद्र है, लेकिन आपने एक और कहा कि लड़की चालाक और खतरनाक है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि वो हमारी दामिनी भी हो सकती है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? रानी सा को भी एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी उलझन में है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। राजा साहब के ये सवाल पूछने के बाद उनके मन में अब और भी सवाल उठ रहे थे। कैदखाने में बेचैनी का माहौल था। कैदखाने की ठंडी दीवारों के बीच जब हमशक्ल ने देखा कि अग्नि ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, तो उसने फिर से पूछा, जैसे वो अग्नि के दिल को टटोल रही हो। तुम भले ही जवाब ना दो, लेकिन हम जान गए हैं कि तुम भी भैरव से बहुत प्यार करती हो। ये सुनते ही अग्नि का दिल अंदर से कांप उठा, मगर इस बार अग्नि ने अपने भीतर उमड़ती भावनाओं को मुश्किल से दबाया और धीरे से कहा, नहीं, हम भैरव को प्यार नहीं करते। महर्षि ने हमें भैरव की सुरक्षा का जिम्मा दिया है, इसलिए हम उसकी रक्षा कर रहे थे। इसके अलावा हमारे दिल में उनके लिए कोई भावनाएं नहीं है। ये कहते हुए अग्नि की आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसे उसने खुद से भी छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में बसने वाला प्यार छिप नहीं पाया। हमशक्ल ने अग्नि की बातों को सुना, लेकिन उसकी नजरें जैसे उस दर्द को पढ़ रही थीं जो अग्नि के दिल में था। वो चुपचाप कुछ पलों के लिए पुरानी यादों में खो गई और फिर धीरे से बोली, पिताजी ने भैरव को हमारी सुरक्षा का जिम्मा देकर हमें उसके साथ रायपुर भेजा था। कई बार ऐसा हुआ जब भैरव को अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करनी पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में हमें प्यार दिखाई देता था। वो हमें ऐसे जताता था जैसे उसे बस हमारी सुरक्षा की चिंता हो, लेकिन अब समझ आता है कि वो सब प्यार ही था। अग्नि, अगर हमारे बस में होता तो हम अपना भैरव तुम्हें सौंप देते। सच में तुम्हारा प्यार भैरव के लिए इतना मासूम और इतना सच्चा है। ये बातें सुनकर अग्नि की आंखों में आंसू छलकने को तैयार थे, लेकिन उसने अपने दिल के उस तूफान को रोके रखा। लेकिन हमशक्ल ने अग्नि की आंखों में ठहरे उन आंसुओं को देख लिया और उसके दिल का सारा हाल समझ गई। वो बस चुपचाप अग्नि को देखती रही, जैसे दोनों के दिलों की बातें बिना कहे ही एक दूसरे से कह दी गई हों। अग्नि के अंदर का दर्द अब और छिपाए नहीं छिप रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उस पल दोनों की आंखों में सच्चाई और दर्द की गहराई साफ झलक रही थी, जैसे उनके दिलों में छिपे सारे राज उजागर हो गए हों। इधर खंडहर के भीतर रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। गुरु खंडहर के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अचानक खंडहर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। भैरवी ने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही हो। वो उठने ही वाली थी कि चारों ओर से कई आत्माएं घूमने लगी। वे सभी भैरवी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। उनकी आंखों में जलन और क्रोध साफ दिख रहा था। नन्ही भैरवी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन आत्माओं ने उसे घेर लिया था। उनमें से कुछ के हाथ जैसे धुएं से बने हुए थे, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वे भैरवी की ओर छपट पड़ी। डर की वजह से उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। गुरु तेजी से भैरवी की ओर दौड़ा और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल ऊपर उठाया और तेजी से एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे त्रिशूल से एक चमकदार रोशनी निकली। उस रोशनी ने कुछ आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, पर अगले ही पल वे और ज्यादा हो गईं और फिर से भैरवी पर टूट पड़ी। गुरु ने भैरवी के सामने खड़े होकर त्रिशूल को घुमाया, जिससे एक सुरक्षा घेरा बन गया, लेकिन आत्माओं की शक्ति भी कम नहीं थी। वे घेरे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। गुरु ने एक और मंत्र का जाप शुरू किया और उनकी आवाज खंडहर के भीतर गूंजने लगी। जैसे ही मंत्र की शक्ति बढ़ी, आत्माओं ने अपनी दिशा बदल दी और अब वे गुरु की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो आत्माएं गुरु के पास आती, गुरु ने जल्दी से घेरा बनाया और भैरवी का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे उसके अंदर बैठा दिया और उससे बोला, भैरवी, जब तक मैं ना बोलूं, इस घेरे से बाहर मत आना, और नंदी तुम भी इस घेरे के अंदर चली जाओ। यही एक तरीका है जिससे मैं भैरवी को इन आत्माओं से बचा सकता हूं। भैरवी इन सब बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी। वो नंदी से लिपट गई और बोली, नंदी दीदी, डर लग रहा है। ये खेल हमें नहीं खेलना, चलो वापस घर चलते हैं। नंदी ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, भैरवी, यही तो खेल है, डरे तो हार जाएंगे, और हार गए तो
तो राजकुमारी दामिनी की जिंदगी बचाने वाला विषहरण फूल नहीं मिलेगा हमें। हमें डरना नहीं है। एक काम करो, तुम आंखें बंद कर लो। भैरवी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। आत्माएं भैरवी की ओर फिर से झपटी, लेकिन इस बार पता नहीं भैरवी को क्या हुआ, भैरवी ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक तेजस्वी चमक थी। उसने अपनी दोनों बाहें उठाई और उसके शरीर से निकली रोशनी ने उन आत्माओं को जकड़ लिया। आत्माएं चीखते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन भैरवी की शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा था। अचानक भैरवी की शक्तियों को देखकर गुरु और नंदी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। गुरु समझ गया कि भैरवी कोई मामूली लड़की नहीं है। कुछ ही पलों में सारी आत्माएं जलते हुए धुएं में बदल गईं और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। खंडहर के अंदर का माहौल शांत हो गया और अब वहां सिर्फ भैरवी, गुरु और नंदी थे। गुरु ने भैरवी की ओर देखा, जिसने अपनी शक्तियों से उन आत्माओं को हराया था। गुरु ने भैरवी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो छोटी सी जादू की पुड़िया निकली भैरवी। नन्ही सी भैरवी को कुछ समझ नहीं आया कि गुरु उसे क्या बता रहा है। वो तो बस इस बात से खुश थी कि बुरी आत्माएं यहां से भाग गई थी। क्या गुरु, नंदी और भैरवी उस भयानक जंगल से सही सलामत लौट पाएंगे? और कैदी 211 यानी कि नकली दामिनी को क्या सच में अग्नि के साथ हमदर्दी थी, या फिर वो उसके साथ कोई षड्यंत्र रच रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM ऐप।